मेरे हिस्से में जो भी आप डालेंगे मैं शहर सदान करने के लिए स्वीकार हूं, मेरे हिस्से में आप जितना कंट्रीब्यूशन डालेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आंदोलन न किया जाए, खून न बहाया जाए, आरोप प्रत्यारोप न किए जाए, जो बकाया धनराशि अथॉरिटी की है लगभग 3-4 करोड़ रुपए, उसे सारे लोग मिलकर के कंट्रीब्यूशन करके दे दें और उस बुद्ध विहार को बचा लें। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि अभी नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा के सेक्टर 11 में बने सिद्धार्थ बुद्ध विहार को नोटिस जारी किया है, सीज कर दिया है, सीज करने का, उसे ध्वस्त करने का, उसे तोड़ने का फरमान जारी किया है। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत, पूरा प्रदेश सच्चाई को समझे। वो सच्चाई ये है कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, उस समय स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बड़ा सा भूखंड दिल्ली और नोएडा के बीच में बॉर्डर पर सेक्टर 11, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेन रोड पर बुद्ध विहार के लिए प्राप्त हुआ। बुद्ध विहार समिति ने उसका रखरखाव रखा, उनके पास जो भी धनराशि थी अथॉरिटी को जमा करा दी और पूरे NCR से, पूरे उत्तर प्रदेश से सभी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सभी उपासकों के द्वारा, अम्बेडकरवादियों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया और उस भूखंड पर एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार, एक बहुत सुंदर इमारत निर्मित कर दी गई जो आज भी वहाँ उपलब्ध है। बुद्ध विहार है, सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी का ये कहना है कि जो भूखंड हमने इन्हें दिया, जो पैसे की हमारी डिमांड थी, जितने की जमीन है वर्तमान में, वह पैसा ये लोग हमें नहीं जमा करा रहे और मुझे सरकार से दबाव डाला जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जहां जहां पैसा बकाया है भूखंड का, वह हमें तुरंत मुहैया कराया जाए। इसी उपलक्ष में अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है, सीज करने का आदेश किया है और लगभग 3.5 करोड़ रुपए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निवेदन किया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बुद्ध विहार के एवज में खून बहाना चाहते हैं, बुद्ध विहार के एवज में आंदोलन करना चाहते हैं, वो सरकारी जमीन है, भूखंड प्राप्त हुई है बुद्ध विहार के लिए, आयोजन समिति और बुद्ध विहार निर्मित समिति इस बात को सब लोग जानते हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि समस्या के समाधान पर काम करें, सारे लोग मिलकर, या नोएडा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत में, संविधान के भारत में बाबा साहब की अनुकंपा से धन कमाने का मौका मिला, वह सारे लोग कंट्रीब्यूशन करें और बहुत ज्यादा रकम नहीं होती 3 करोड़ रुपए। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, मेरे हिस्से में जो भी आप डालेंगे मैं शहर सदान करने के लिए स्वीकार हूं, मेरे हिस्से में आप जितना कंट्रीब्यूशन डालेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आंदोलन न किया जाए, खून न बहाया जाए, आरोप प्रत्यारोप न किए जाएं, जो बकाया धनराशि अथॉरिटी की है लगभग 3-4 करोड़ रुपए, उसे सारे लोग मिलकर के कंट्रीब्यूशन करके दे दें और उस बुद्ध विहार को बचा लें। ये बुद्ध विहार को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप सरकार से, शासन प्रशासन से नहीं लड़ सकते। ये अकेला भूखंड नहीं है नोएडा में, लगभग सैकड़ों ऐसे भूखंड हैं जिनको ले लिया गया है और जिनकी आज दिन तक धनराशि लोगों ने जमा नहीं कराई। थोड़ा बहुत करा देते थे, जब भी नोटिस आया थोड़ा बहुत करा दिया, लेकिन आज भी बहुत सारी धनराशि बकाया है। उसी तरह से बुद्ध विहार की कहानी है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम समय लगेगा। मैं तो चाहता हूं बुद्ध विहार समिति के लोग आह्वान करें, आह्वान करें, मैं उसमें तैयार हूं और पूरा भारत उसके लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जिसकी जो क्षमता होगी वो दे और हम लोग ऐसा अभियान चलाकर उस बुद्ध विहार को 1 महीने में अथॉरिटी को पैसा जमा करके बचा सकते हैं। और अगर कोई मार्ग आप अपनाना चाहते हैं तो आपको सहर्ष पूरा अधिकार है, जो भी आपको मार्ग अपनाने हैं अपनाएं। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं उस बुद्ध विहार से बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि बुद्ध विहार वहां से हटे, मैं नहीं चाहता हूं कि बुलडोजर चले, मैं नहीं चाहता हूं कि प्रशासन से अपने कब्जे में ले। इसके पहले हम सब लोग मिलकर के धनराशि जमा कराते हैं और मेरा निवेदन है जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, जैसे माननीय बहन जी की सरकार में
वह भूखंड हमें मिला बुद्ध विहार के लिए। आप सब लोग एक बार माननीय बहन जी से निवेदन करिए, वह सामर्थ्य है उनके पास कि अगर वो चाहें तो स्वयं इतना पैसा जमा करा के बहुजनों के उपहार दे सकती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं कि अगर वो चाहें तो 3-4 करोड़ रुपए जमा करा के उस बुद्ध विहार को बचा सकते हैं, अम्बेडकरवादियों का मान सम्मान बचा सकते हैं और हम बौद्धों की जान मान सम्मान इज्जत बचा सकते हैं। मेरा निवेदन है, अच्छा लगे तो स्वीकार करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप मान लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जो भी कदम उठाइएगा मुझे बताइएगा, मैं जिस लायक हूं आपके साथ खड़ा हूं। मैं किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ बुद्ध विहार सेक्टर 11, इतनी प्राइम लोकेशन का बुद्ध विहार है, उसे खत्म नहीं होने देना चाहता हूं, उसे नष्ट नहीं होने देना चाहता हूं और उसे बचाकर आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करना चाहता हूं, ताकि बाबा साहब का आंदोलन बुद्धमय भारत चले और उस स्थान से बड़ा काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।